दो हाथ खड़ा करके कि आप लोग साथ और साथ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार मैं आप लोगों से सिर्फ एक आग्रह करता हूँ कि अब की बार हमने ये लड़ाई लड़के दिखानी और लड़ेंगे अब की बार पक्का। तो आज के बाद मेरा उद्देश्य है मैं उचाणा का उचाणा मेरा। तो मैं सबसे पहले तो आप सब का तह दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अलेवा ब्लॉक के, जैसा कि आपको गत है, आज से लगभग 20-22 दिन पहले हमने यही प्रोग्राम उचाणा ब्लॉक के लिए कसून गांव में किया था। तो उसमें भी मैं एक वादा जरूर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये जो लोग आए हैं ना सारे फ़ोन कॉल से आए हैं, ये सब जो लोग बैठे हैं आपके पास ये सब एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं साधारण व्यक्ति हूँ, कोई स्पीच वाला और वो तो है नहीं, कोई भाषण वाला भी नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। तो आप लोग सिर्फ कॉल से आए हैं, जवान साथियों का, युवा साथियों का, सभी भाइयों का, अलेवा ब्लॉक के सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। खास कर ये जो मीटिंग रखी है हमने अलेवा ब्लॉक के लिए रखी थी, पहले उचाणा ब्लॉक की मीटिंग तो हो चुकी थी, अब अलेवा ब्लॉक की होनी थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों का पुनः आभारी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पिताजी भी बहुत सारे नॉन बैठे हैं, ईश्वर जी बैठे हैं, रामचंद्र भाई बैठा है, सुरेंद्र भाई और बैठे हैं, तो मेरे पिताजी भी आप लोगों के बीच हमेशा रहे हैं और आप लोगों के बीच ही मैं पला बड़ा हुआ हूँ। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। पहले तो एक बार प्लीज़ विश्वास दिला दो हाथ खड़ा करके कि आप लोग साथ और साथ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि 2019 में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसके लिए भी मैंने धन्यवाद बोलना था, भाई मंगतराम भाई अलेवा से है, काला है भाई, धन्यवाद आप लोगों का भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा, और अब आभार रहेगा आप लोगों का। तो ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था अलेवा ब्लॉक के लोगों से एक बार जुड़ाव कर लेते, जुड़ जाते। बाकी दो चार समस्याएं हैं हल्के की, वो पिछली मीटिंग में हमने जो ब्लॉक उचाणा की कसूण गांव में करी थी उसमें भी उठाई थी हमने, पानी के पीने के पानी की समस्या है और नहरी पानी की समस्या है। वास्तविक स्थिति ये है कि अब की बार मैं आप लोगों से सिर्फ एक आग्रह करता हूँ कि अब की बार हमने ये लड़ाई लड़के दिखानी और लड़ेंगे अब की बार पक्का। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ अब की बार ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ हो, हमेशा साथ रहो। और मेरा जैसे कि मेरे पिताजी के भी पीछे आप खड़े रहे हो, परिवार के पीछे खड़े रहे हो, तो आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप लोग हमेशा साथ खड़े रहे। एक दो चीज़ें हैं, खटकड़ जो जन आशीर्वाद यात्रा थी उसके दौरान महिलाएं थी जो, वो भी आई हुई थी, बहुत संख्या में थी, हजारों महिलाएं थी, तो खटकड़ गाँव से थी कुछ महिलाएँ, तो मैं वो दोनों उस दिन को याद करता हूँ। वो पूछते हुए जा रही थी बेचारी, बाहर जा रही थी गाँव में, ये पूछ के जा रही थी कि जिद्दार करनी, एक बार कह दूं बेटा फिर आऊँगी। तो इतना प्यार, इतना लगाव जो आप लोग दिखाते हो, एक फ़ोन कॉल पे आप लोग आ जाते हो, तो आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा। आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोगों से जुड़ जाएं, आप लोगों से मिल जाऊँ, आप लोगों के साथ सुख दुख में शामिल हूँ। तो आप लोगों युवा साथी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, प्रोग्राम तो होते रहेंगे आगे, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, प्रोग्राम तो चलते रहेंगे। तो प्रोग्रामों में आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग साथ निभाएं, साथ दें। बाकी इस लड़ाई को जो युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, इस लड़ाई को हम अंत तक लेके जाएंगे, और आपकी ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। तो आज के बाद मेरा उद्देश्य है मैं उचाणा का उचाणा मेरा। तो मैं इस लोगों के साथ आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी मुझे आप लोगों की जब भी ज़रूरत होगी तो आप लोग हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बुजुर्ग साथियों का, सभी आए हुए युवा साथियों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथी बहुत देर से, लगभग 1.5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, युवा साथी हैं, क्योंकि कांवड़ लेके भी बहुत साथी आए हैं, कांवड़ के भी दिन चल रहे थे, थके हुए आ रहे हुए हैं, जीरी का भी टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीजन का टाइम है। तो आप लोग एक छोटी सी फ़ोन कॉल पे आप लोग आए हो, पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं पुनः उस लोगों के साथ, मैं उचाणा का और उचाणा मेरा के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।